हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे। बिटकॉइन आजकल बहुत चर्चा में है और इसको जानना जरूरी है। कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो चाहे नेट हो, इसमें ये पूछा जा सकता है। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन जो है इज बेसिकली ए कंप्यूटर फाइल। एक कंप्यूटर फाइल है जो कि कंप्यूटर के या स्मार्टफोन के डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यह डिजिटल वॉलेट ऐप होता है जिसमें बिटकॉइन स्टोर किया जाता है। ये मनी की तरह होता है, लेकिन यह एक क्रिप्टो करेंसी, जिसे कि हम आभासी मुद्रा कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी मतलब ये मुद्रा ना होकर मुद्रा का आभास देता है और मुद्रा जैसा काम करता है, तो इसे हम आभासी मुद्रा भी कहते हैं। तो बिटकॉइन क्या है? एक आभासी मुद्रा है जिसको कि हम कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर फाइल की तरह होता है जिसे हम डिजिटल वॉलेट मतलब कि कंप्यूटर के ऐप में या स्मार्टफोन के ऐप में जो डिजिटल वॉलेट होता है उसमें रखते हैं। तो बिटकॉइन एक इनोवेटिव पेमेंट नेटवर्क है, एक नया पेमेंट नेटवर्क है और ये नए तरीके का मनी है। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स है और इसका डिजाइन पब्लिक है, मतलब ओपन सोर्स है, कोई भी इसको ले सकता है। ओपन सोर्स का मतलब किसी का इसमें ये वर्चस्व नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। ये ओपन सोर्स है और इसका डिजाइन जो है वो पब्लिक है, मतलब कोई भी लोग इसको यूज कर सकता है, पब्लिक के यूज के लिए है। कोई भी इसको ओन नहीं करता, कोई इसका मालिक नहीं है, ना कोई कंट्रोल करता है। तो बिटकॉइन में सब लोग हिस्सा ले सकते हैं, सब लोग बिटकॉइन प्राप्त कर सकते हैं, ये आभासी मुद्रा सबको मिल सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसको प्राप्त करना या इसमें क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं और क्या ये सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन क्या करता है कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी यूज करता है और ऑपरेट विथ नो सेंट्रल अथॉरिटी और बैंक्स। इसका क्या मतलब है कि आपस में हम लेन देन कर सकते हैं बिटकॉइन में, इसके लिए ना कोई सेंट्रल बैंक है, ना कोई अथॉरिटी बैंक है, या ना कोई आदमी इसका अथॉरिटी है जो कंट्रोल करेगा, जो रेगुलेट करेगा। इसमें है आपसी सहमति से लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं। इसका बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, और जो बिटकॉइन का इशू करता है, जो बिटकॉइन इशूइंग, ये किससे किसके द्वारा किया जाता है? तो नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। मतलब ये प्योरली डिजिटल है, प्योरली वर्चुअल है, इसमें ना तो कोई व्यक्ति है, ना तो कोई अथॉरिटी है, और जो भी इसका ट्रांजैक्शन होता है या जो भी बिटकॉइन को इशू करता है, जो वो नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। तो इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या हुआ कि ये आपस में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होता है। इसका पेमेंट वर्ल्ड के किसी हिस्से में भी किया जा सकता है, पूरे विश्व में इसका पेमेंट किया जा सकता है, और इसका प्रोसेसिंग फी बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल लो होता है। अभी हम इसके बारे में और जानेंगे। बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी। इस मतलब क्रिप्टो करेंसी मतलब ये सही में मुद्रा नहीं है, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते, हाथ में नहीं ले सकते, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। मुद्रा क्या होता है? ऐसे मुद्रा का तो वैल्यू, हम लोग उसका फंक्शन क्या क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये इसमें क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन ये नहीं करता है। तो बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है जो कि 2008 में इन्वेंट हुआ था, एक अननोन व्यक्ति के द्वारा या एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको इन्वेंट किया था, जिनका जो किस नाम से वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति या ग्रुप था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो ये एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, ये उसका नाम है सतोशी नाकामोटो, इसने इसका इन्वेंशन किया था। तो बिटकॉइन इज इन्वेंटेड बाय सतोशी नाकामोटो इन 2008। ठीक है, इसका सिंबल क्या क्या है? तो इसका सिंबल है BTC। ठीक है, और ये इसको बिटकॉइन ही कहते हैं। बी के ऊपर ऐसे एक लकीर खींचा हुआ है जैसे डॉलर के लिए खींचा जाता है, और एक ये है बी, इसको इस तरह से, ये कंप्यूटर में लिखना मुश्किल है, इसके इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये सिंबल जहां पर आपको दिखे, आप समझें कि वो बिटकॉइन को बता रहा है।
बिटकॉइन का सिंबल ऑफ बिटकॉइन स्टॉक, जो बिटकॉइन का स्टॉक होता है उसका सिंबल है XBT, ठीक है, स्टॉक ऑफ बिटकॉइन। ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये इसका कहीं भी केंद्रीकरण नहीं है, कोई केंद्रीय बैंक नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करता है। ये डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन, इसमें ये ऑनलाइन कैश है जिसको हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता, ना कोई इसका सिंगल मालिक होता है, कोई प्रशासक भी सिंगल इसका नहीं है। ये यूजर टू यूजर भेजा जा सकता है और भी कोई बिचौलिए की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिना बिचौलिए के ये डायरेक्ट ऑनलाइन एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज सकता है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और आपसी लेन देन इसमें फ्रीली होता है, ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन है वो नेटवर्क के नोड से होता है वेरीफाई, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो ब्लॉकचेन होता है उसमें रिकॉर्डेड होता है, ये ऑनलाइन ही रिकॉर्डेड होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो होता है उसमें ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड होता है। जो लोग इसमें काम करते हैं, तो जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं बिना उसको जो काम करते हैं या उसका खाता मेंटेन करते हैं उसको माइनिंग कहा जाता है। तो जो माइनर होते हैं, माइनिंग करने वाले, खनन करते हैं, तो उनको कहते हैं बिटकॉइन का माइनिंग करने वाले क्या करते हैं कि उनको फ्री में बिटकॉइन मिलता है। वो क्या, क्यों मिलता है फ्री में, क्योंकि वो क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन के ब्लॉक होते हैं, जिसको जो वेरीफाई करता है उसे माइनर कहते हैं, ठीक है। तो उसको माइनर, बिटकॉइन माइनर कहलाता है, और उस जब भी वो कोई एक ब्लॉक को वेरीफाई करता है तो उसको उसके बदले में बिटकॉइंस मिलते हैं। तो वो ये ब्लॉक को वेरीफाई करता है, ट्रांजैक्शन के ब्लॉक को वेरीफाई करके, और उसको ब्लॉकचेन में ऐड करते जाता है। तो जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है जो वर्चुअल, उसमें जो व्यक्ति उसको वेरीफाई करके इसमें ऐड करता है उसे माइनर कहते हैं, और उसको बदले में फ्री में बिटकॉइन मिलते हैं। दे कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर करेंसी। बिटकॉइन जो होता है उसको अदर करेंसी में बदला जा सकता है, या किसी प्रोडक्ट को लिया जा सकता है, या किसी सर्विसेज के लिए दिया जा सकता है। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट के रूप में होता है, ये डिजिटल एसेट होता है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, ये पेपर है जो जनवरी 2015 में उसने बताया था कि बिटकॉइन की क्वालिटी क्या है, कि ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल से प्राप्त होता है, हार्ड टू अर्न, इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन इजी होता है। कौन वेरीफाई करता है, तो वही बिटकॉइन माइनर्स जो होते हैं, वो माइनिंग करके उसको वेरीफाई करते हैं और उसको फिर लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। बिटकॉइन एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, ये मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू और पेमेंट इस तरह से नहीं करके मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में करता है। 2017 में बिटकॉइन यूजर 2.9 से 5.8 मिलियन यूजर्स थे जो कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को यूज करते थे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिसर्च है जिसमें ये पाया गया 2017 में बिटकॉइन को यूज करने वाले 5.8 यूनिक यूजर थे। इट इज लाइक ए ऑनलाइन वर्जन ऑफ कैश। बिटकॉइन क्या है कि कैश का ऑनलाइन वर्जन है। कैश में आप ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन पैसे भेजते हैं एक दूसरे को, तो ये ऑनलाइन कैश है। बिटकॉइन भेज दिया, इतना बिटकॉइन यहां से उठाया, यहां से भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, ये जो आभासी मुद्रा है, ये लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है, मतलब इसको कानूनी मान्यता नहीं है, ठीक है, इसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लीगल टेंडर मनी को क्या होता है कि वो कानूनी मान्यता होती है जिसे एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता ऑल ओवर इंडिया में। तो बिटकॉइन के साथ ऐसी बात नहीं है। बिटकॉइन में अगर कोई आपको पेमेंट करना चाहे तो आप मना कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है। दूसरा क्या है कि एंड वाइल एक्सचेंजेस आर लीगल, लेकिन इनका एक्सचेंज लीगल है, एक्सचेंज लीगल है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। तो गवर्नमेंट इस
एक्सचेंज को लीगल किया है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट कर दिया है जो कि इसको ऑपरेट करते हैं बिटकॉइन के लिए। उनके लिए बहुत सारे रूल बने हैं, जो रूल बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हैं, क्योंकि इस बिटकॉइन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल मनी है, ऑनलाइन कैश है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग का डर रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि ब्लैक मनी को वाइट करना, तो ये किसी को भेजकर उस मनी को, कोई ब्लैक मनी के वाले लोग इसको वाइट कर सकते हैं, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस फंड का यूज हो सकता है, क्योंकि कोई इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो बिटकॉइंस को यूज करने वाले कौन कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट, सबवे, केएफसी, ये सब जो हैं वो बिटकॉइंस को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि बिटकॉइन क्या है। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना जरूरी था। सो दैट्स ऑल अबाउट बिटकॉइंस। थैंक यू।